अस्सलाम वालेकुम, फूड कोर्ट में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल। तो मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 250 ग्राम मूंग मसूर की दाल। अच्छा, ये दोनों हम वज़न हैं। 125 ग्राम इसके अंदर मूंग की दाल है और 125 ग्राम इसमें मसूर की दाल है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो के आधा घंटे के लिए नीम गर्म पानी में सोख कर दिया था। अच्छा, दालें आप जब भी बनाए, राइस जब भी बनाए, जब भी चावल बनाए, तो उन्हें ठंडे पानी में कभी ना भिगोया करें, उससे उसका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। हमेशा उसको अच्छी तरह से धो के आप नीम गर्म पानी में भिगोएं, तो उससे आपकी दाल या राइस बहुत अच्छे बनेंगे। 1 टेबलस्पून चाहिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून चाहिए हमें कुकिंग ऑयल, इधर मैंने लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये दोनों मैंने मिक्स करके रखा है। 1 टीस्पून चाहिए आपको हल्दी पाउडर, नमक चाहिए आपको हंसते जायका, 2 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं और इसे मैंने बारीक काट लिया है, ये तीखी वाली हैं, अगर आप और मज़ीद तीखा खाना चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। 1.5 टीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर, इसे ताज़ा कूटना है, और 2 मैंने साबुत ग्रीन चिली ली है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। इसके अलावा बघार के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 7 से 8 ये साबुत लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 कली लहसुन और 1/2 कप घी। पैन मैंने मीडियम हीट पे रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दाल, अब इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी, अगर आप दाल पतली खाना चाहें तो आप और बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन अदरक, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, ये ऑयल मैंने इसमें इसलिए मिलाया है कि इसके डालने से दाल बहुत अच्छी तरह से घुट जाती है, और हल्दी। जब दाल उबल के फटने लग जाएगी उस वक्त हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब हम इसे पकने देंगे। दाल में उबाल आ गया है और अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम हीट पे गलने तक पकाएंगे। दाल को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये काफी हद तक ये गल गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, दो साबुत हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और कुटी काली मिर्च। दस मिनट हम इसे और पकाएंगे, उसके बाद हम इसका भगार तैयार करेंगे। दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से घुट गई है और दाल हमारी तैयार है। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए हमने पैन रख दिया है और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन हमारा सुनहरा होने लगा है। अब हम डालेंगे लाल मिर्च,
दाल हमारी तैयार है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।